इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे T20 की फुल हाईलाइट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस मैच में इंडिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो यहां पर करने गई बल्लेबाजी और दोनों ओपनर बल्लेबाजी करने गए और यहां पर डी कोक ने तो शुरुआत काफ़ी अच्छी की थी, मतलब काफ़ी अच्छे रंग में दिख रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो उनके कप्तान रहते हैं बाबू मां, वो इस मैच में भी जल्दी चलते बनते हैं। वो एक शॉट खेलते हैं जो कि बैट में अच्छे से कनेक्ट नहीं होती और वो यहाँ पर आउट हो जाते हैं। तो इस मैच में भी उनका फॉर्म हमें देखने के लिए नहीं मिला था। फिर इसके बाद रोसो और डी कोक, यहाँ पर दोनों की तरफ से हमें काफ़ी अच्छी पारी देखने के लिए मिल रही थी। दोनों बल्लेबाज एक से बढ़कर एक शॉट लगा रहे थे, वो भी लगातार, तो काफ़ी अच्छी पारी हमें इन दोनों की तरफ से देखने के लिए मिल रही थी। और डी कोक जो उन्होंने तो अपनी 50 भी कंप्लीट कर ली थी, काफ़ी अच्छी पारी इन्होंने पिछले मैच में भी खेली थी और इस मैच में भी अच्छे रंग में दिख रहे थे। तो डी कोक यहाँ पर अच्छी पारी खेल रहे थे, फिर एक गेंद में वो दो रन लेने के चक्कर में यहाँ पर दौड़ते हैं, लेकिन जो उधर से श्रेयस अय्यर आते हैं और बहुत तेज थ्रो फेंकते हैं जो कि ऋषभ पंत उन्हें रन आउट कर देते हैं। तो इस तरीके से डी कोक आउट हो जाते हैं 43 गेंदों पर 68 रन बनाकर और वहाँ पर क्रीज से चलते बनते हैं। और जो रोसो है वो तो यहाँ पर अच्छी पारी खेल ही रहे थे और यहाँ पर जो इंडियन के जो खिलाड़ी, मतलब कि जो बॉलर है, वहाँ पर नो बॉल भी फेंक रहे थे। काफ़ी ज़्यादा नो बॉल हमें इंडिया की तरफ से देखने के लिए मिली और एक वक्त तो ऐसा आया था जब रोसो स्टंप के ऊपर चढ़ गए थे, तो ऐसा भी सीन हमें देखने के लिए मिला था। लेकिन रोसो ने जो अपनी 100 है वो भी यहाँ पर कंप्लीट कर ली थी, मात्र 48 गेंदों पर 100 रन उन्होंने अपने कंप्लीट कर लिए थे। पिछले मैच में डेविड मिलर ने सेंचुरी मारी थी, इस मैच में रोसो ने सेंचुरी मारी थी। और जो स्टप्स है वहाँ पर पीछे की ओर मारते हैं लेकिन जो गेंद है ऊंची चली जाती है और नीचे रहते हैं अश्विन, और इस तरीके से जो स्टप्स है वो भी यहाँ पर आउट हो जाते हैं। फिर लास्ट का ओवर यहाँ पर बसता है और जो डेविड मिलर है वो यहाँ पर लास्ट के ओवर में 3 सिक्स यहाँ पर मार देते हैं। जो लास्ट का ओवर है काफ़ी ज़्यादा महंगा साबित होता है, एक 9 बॉल भी चली जाती है और यहाँ पर जो मोहम्मद सिराज रहते हैं वो यहाँ पर कैच भी लेते हैं तो बाउंड्री में पैर रख देते हैं, इस तरीके से भी सिक्स मिल जाता है। तो इस तरीके से साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर में 227 रन बना लिए थे 3 विकेट के नुकसान पर। अब इंडिया के सामने लक्ष्य था 228 रनों का 120 गेंदों पर और इंडिया की तरफ काफ़ी सारे यहाँ पर बदलाव किए गए थे। लोकेश राहुल नहीं खेल रहे थे, विराट कोहली नहीं खेल रहे थे, तो यहाँ पर काफ़ी मतलब नई नई सी टीम थी। और यहाँ पर जो रोहित शर्मा रहते हैं वो ओवर की दूसरी ही गेंद पर स्टंप पर बोल्ड आउट हो जाते हैं, उनके बैट से कट निकलती है और स्टंप पर जाकर लग जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पर श्रेयस अय्यर आते हैं, वो भी यहाँ पर LBW आउट हो जाते हैं, रिव्यू लेते हैं लेकिन तीनों जो चीज़ें वो लाल लाल हो जाती। इस तरीके से जो श्रेयस अय्यर है वो भी आउट हो जाते हैं और मात्र 4 गेंदों पर 1 रन बनाकर वो चलते बनते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर ऋषभ पंत की तरफ से हमें थोड़ी अच्छी पारी देखने के लिए मिलती है और दिनेश कार्तिक भी यहाँ पर अच्छे रंग में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो दोनों यहाँ पर अच्छी पारी खेल रहे थे लेकिन ऋषभ पंत एक शॉट लगाते हैं, फिर यहाँ पर जो अफ्रीकी फील्डर है वो भी इसे लपक लेते हैं। तो 14 गेंदों पर 27 रन बनाकर ऋषभ पंत क्रीज से चलते बनते हैं। अब यहाँ पर दिनेश कार्तिक की तरफ से हमें एक से एक शॉट देखने के लिए मिल रहे थे, काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट वहाँ पर मार रहे थे और अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे, तो काफ़ी अच्छी पारी वो खेल ही रहे थे। लेकिन क्या होता है कि केशव महाराज बॉलिंग करने आते हैं और वो स्वीप शॉट लगाने के लिए देखते हैं अल्टीपल्टी वाला, लेकिन यहाँ पर वो स्टंप बोल्ड आउट हो जाते हैं। तो इस तरीके से दिनेश कार्तिक भी 21 गेंदों पर 46 रन बनाकर चलते बनते हैं। फिर यहाँ पर इंडिया की हार तो यहाँ पर तय हो गई थी क्योंकि अब आखिरी के जो बल्लेबाज वही बचे थे, जो मतलब उनके मतलब पूरे बैट्समैन थे वो तो यहाँ पर चले गए थे। और यहाँ पर फिर उनको हर्षल पटेल का भी विकेट मिल जाता, वो भी एक थोड़ी बहुत अच्छी पारी खेल लेते हैं 12 गेंदों पर 17 रन बनाकर। इसके बाद यहाँ पर जो अक्षर पटेल रहते हैं वो भी यहाँ पर कट आउट हो जाते हैं, वो भी अच्छी पारी खेल रहे होते हैं लेकिन वो भी आउट हो जाते हैं। और जो अश्विन है वो भी आते से बड़ा शॉट लगाते हैं लेकिन ये भी यहाँ पर चलते बनते हैं 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर। फिर इसके बाद हमें दीपक चाहर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अच्छी पारी देखने के लिए मिलती है। साउथ अफ्रीका की जो जीत है वो तो निश्चित हो गई थी लेकिन दीपक चाहर ने उनके इंतजार को लंबा करवाया और अच्छे अच्छे शॉट खेले, 6-4 अच्छे मारे थे लेकिन फिर वो यहाँ पर शॉट मारने के चक्कर में कैच आउट हो गए। 17 गेंदों पर 31 रन उन्होंने बनाए और फिर सिराज आया हेलीकॉप्टर शॉट जैसे, उन्होंने एक शॉट मारा और वो भी चलते बने। इस तरीके से जो टीम इंडिया का स्कोर है वो हो गया था 178 रन 9 विकेट के, मतलब कि ऑल आउट हो गई थी, सिराज भी आते आउट हो गए थे। इस तरीके से 178 रनों पर टीम इंडिया की जो टीम है यहाँ पर ऑल आउट हो गई थी। और जो अफ्रीका की टीम है वो 49 रनों से इस मैच को जीत जाती है। अफ्रीका की टीम तो मैच जीत गई लेकिन जो इंडिया की टीम है वो इस सीरीज को जीत गई क्योंकि 2-0 की बढ़त से चल रही थी, अब यहाँ पर 2-1 से ये सीरीज जीत गई।